वालेकुम भाई जन, क्या हाल है जी। अच्छा भाई जन, ये हमने ना आज ये बनाया, ये 19 वोल्ट का चार्जर को हमने किया 14/6 पे, ठीक है जी। 19 वोल्ट चार्जर लैपटॉप वाला, ठीक है जी। हमने किया उसको 14/6 पे, 14/6 पे हमने किया उसको। फिर फैन चला के आपको चेक कराते हैं, ये आपको लोकेशन वगैरह हर चीज़ चेक करा दी इसकी। ये है जी लैपटॉप का चार्जर, ठीक है जी। लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर वाला, हमने ऊपर फैन लगाया है। हमने पहले तजर्बा किया इसको भाई, कोई मसला तो नहीं बनता इसका। हमने तैयार करके फिर बाद में वीडियो डाल रहे हैं। हमने ये होम में जो यूपीएस का ना फैन होता है, ये होम में जो वगैरह ये जिन्ना चाइना का यूपीएस है उनका फैन होता है, ये हमने लगाया है, ठीक है जी। इस पर हमने बॉडी में किया है इनके सुराख करके हमने इसको ना तैयार किया है, ठीक है जी। ये बेहतरीन फैन चलाता है, यानी कि ब्लिनो जो है ना, ये ब्लिनो वाला एयर कूलर बेहतरीन चलाता है, ठीक है जी। ना झंझट, ना ज़्यादा मसला, ना कोई देना लेना, ठीक है जी। हम आपको चेक कराएंगे मज़ीद फैन चला के भी, ऐसे भी हम मुकम्मल दिखा रहे हैं। हमने क्या किया है वो भी दिखाते हैं आपको। हमने ये कार्बन लगी हुई थी थले, इसको क्रॉस किया है, ठीक है जी। इसको हमने क्रॉस किया है, वोल्ट इसके कम हो गए हैं, ठीक है जी। ये वोल्ट आ गए हैं इसके 14/6 पे, ठीक है। फैन चला के भी चेक कराएंगे आपको। तो ये हमने ना इसका तजर्बा निकाला है, हमने स्फीयर का इसका तजर्बा, यानी कि ना हमने एयर कूलर पर चला के फिर इसको चेक किया है, ठीक है जी। एयर कूलर पे लगा के हमने मुकम्मल इसको चेक कर लिया है, ये बेहतरीन चलता है। लैपटॉप कंप्यूटर वाला, यानी कि ये लैपटॉप जो होता ना, यानी कि कंप्यूटर उसका, यानी कि चार्जर हमने इसको, अक्सर लोगों को ना ये लैपटॉप के चार्जर होते हैं वो भी हम आपको बिल्कुल ओरिजिनल शेयर कर देते हैं, यानी कि चार्जिंग नहीं करता, ठीक है। 19 वोल्ट निकाल रहा होता है वो, कंप्यूटर वाले कहते हैं भी आपका चार्जर ख़राब है, फिर वो चार्जर किसी काम नहीं आता, यानी कि आम बंदे के, ठीक है जी। वो हमने इसमें इसी को, यानी कि नाम मैंने कूलर पे चला दिया है, कूलर पे बेहतरीन चलेगा, नाले आपकी वाडा भी कम खाएगा। ये बेहतरीन देख लो हमने फिट किया है, आपको इसका वोल्ट भी चेक कराते हैं, तो इसको चला के फैन भी चेक कराएंगे, ठीक है जी। ये इसके वोल्ट हैं 14, यानी कि 14 वोल्ट 6 इशारिया, यानी कि अगर इसके 10 हो जाएं तो 15 वोल्ट हो जाएगी, यानी कि 4 पॉइंट और हों 15 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको ये किया है, आपको चला के फैन भी चेक कराते हैं, ठीक है जी। देखो ना ये बल्ब चल रहे हैं ना एलडी, ये हम आपको मुकम्मल चेक कराएंगे, ठीक है जी। ये बेहतरीन, यानी कि एयर कूलर हमने चला के इसको चेक किया, बेहतरीन चलाता है, यानी कि कोई झंझट नहीं है, ठीक है जी। ये बेहतरीन चलाता है, यानी कि ये फैन लगा हुआ है, ठीक है जी। ये हमने स्फीयर का इसमें तजर्बा किया, मैंने इसको फिर मैंने कूलर पे लगा के ना फिर इसको चेक किया है, चेक करके फिर आप हम आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, ठीक है जी।
हमने इसको कूलर पे लगा के ना सारा दिन इसको चेक किया है, बेहतरीन चलता है, यानी कि इसकी कोई झंझट नहीं है। 19 वोल्ट चार्ज आता है, यानी कि ये 6 एम्पेयर होता है, गालबन 6 भी होता है, 6 से 7 भी होता है, 5 भी होता है, यानी कि ब्रांडर हो बेहतरीन चलाता है ये कूलर, ये सोलर प्लेट वाला। ठीक है जी, हम आपको इसको फिट करके दिखाते हैं। देखा जी, हमने फिट कर दिया, ये थले हमने इसके निकाले हैं सुराख। ठीक है, ऊपर लगाया फैन, फैन लगा के बेहतरीन चलता है, यानी कि ये बेहतरीन A1, ना गर्म ना देना ना लेना, फैन लगा हुआ है ऊपर, हमने बेहतरीन उसको फैन लगा दिया है, बेहतरीन चलता है, यानी कि ये देखो ना, फैन चला के ना, यानी कि ये 14-1 14-2 पे आराम चला के रहते हैं। ठीक है जी, देख लो फिक्स, तब तक हमको इजाज़त दो, अगली वीडियो में मिलेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जड़ी हम वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तब तक अल्लाह हाफिज। हम इसको कर रहे हैं आओ, ये देखो थले हमने सुराख निकाल दिए इसके, 19 वोल्ट चार्जर को हमने वोल्ट कम किए हैं, 14-6 पे हमने वापस ले आए हैं इसको। ठीक है जी, तब तक अल्लाह हाफिज, हमको दुआओं में याद रखना।